बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2011 रेगुलर के अनसॉल्व पेपर को आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और इससे पहले भी हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन, कॉन्ट्रा एंट्रीज जो है वो कहते हैं कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, बोथ साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक या रिसीट साइड ऑफ पेटी कैश बुक। डेफिनेटली बोथ साइड ऑफ कैश बुक ये रिकॉर्ड की जाती है। अब नेक्स्ट कहते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ शेड्यूल ऑफ कस्टमर शुड बी द सेम एज, वो कहते हैं कि स्पेशल जर्नल में जो कस्टमर का शेड्यूल हम जब बनाते हैं वो जो उनकी अमाउंट्स को जब आप टोटल करते हैं तो वो किसके बराबर होती है, यकीनन अकाउंट्स रिसीवेबल के टोटल के बराबर होती है। आगे कहते हैं नोट इशूड बाय द कस्टमर व्हेन सब स्टैंडर्ड गुड्स आर रिटर्न बाय रिटर्न इज कॉल्ड, देखिए सब स्टैंडर्ड गुड्स का मतलब वो गुड्स होती हैं कि जो मयार से कम है, यानी जो आपने मंगवाया है माल वो उसके मुताबिक नहीं है। तो जब आप माल वापस करते हैं तो या जो कस्टमर आपको माल वापस करता है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है, वो ये कहते हैं तो डेबिट नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, इनवॉइस या प्रोमिस, डेफिनेटली वो क्रेडिट नोट अपने पास से इशू कर देगा आपको। यानी आप भी अपने पास उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमने इसको क्रेडिट कर दिया है और हमें इसको मज़ीद पेमेंट नहीं करनी, सॉरी इससे पेमेंट रिसीव नहीं करनी मज़ीद। आगे बढ़ते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड, वो कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो बनाया जाता है एट द एंड ऑफ सिक्स मंथ, छः महीने के अख्ताम में बनाएंगे, हर महीने के अख्ताम में बनाएंगे, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे या कभी भी बना लेंगे, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ जनरली बनाया जाता है, जनरली ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन, ये जो एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज को आप रिकॉर्ड करते हैं किस फॉर्मेट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, वो ये पूछ रहा है। जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, स्पेशल जर्नल में, जनरल लेजर में, ट्रायल बैलेंस, तो डेफिनेटली वो जनरल जर्नल में ही आप इसको रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। आगे कहते हैं ईच एडजस्टिंग एंट्री हैज एन इफेक्ट ऑन, हर एडजस्टिंग एंट्री का इफेक्ट कहां पे पड़ता है, क्या बैलेंस शीट पर, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बोथ, नन ऑफ दीज, लास्ट मंथ एक इंपैक्ट इनकम स्टेटमेंट पर आएगा तो दूसरा इंपैक्ट उसका बैलेंस शीट पर ही जाता है, ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज शोन इन करंट एसेट्स ऑन बैलेंस शीट, अनर्न्ड रेंट, रेंट इनकम, प्रीपेड रेंट, रेंट एक्सपेंस, लास्ट मंथ प्रीपेड जितने भी होते हैं सब बैलेंस शीट का हिस्सा है तो वो करंट एसेट्स में जाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के अख्ताम पर वो कहते हैं कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है बनाना, बना लें, नहीं है बनाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलेशन, प्री पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, लास्ट में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं होता, बना लें तो भी कोई मसला नहीं है। आगे कहते हैं दिस इज ऑलवेज, दिस इज नॉट अ बैलेंस शीट आइटम, कहते हैं इनमें नीचे जितने भी आइटम हैं कोई एक आइटम ऐसा है जो बैलेंस शीट से रिलेट नहीं है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, अनअर्न फीस, बिल रिसीवेबल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लास्ट मंथ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कोई ताल्लुक बैलेंस शीट के साथ नहीं है, सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक रखते हैं। आगे कहते हैं दिस अकाउंट इज शोन इन इनकम स्टेटमेंट, अनअर्न रेंट, प्रीपेड रेंट, रेंट पेएबल, रेंट इनकम, लास्ट मंथ रेंट इनकम जो है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक रखती है। आगे कहते हैं द आइटम शोन इन बोथ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इज, यानी ऐसा आइटम कि जो इनकम स्टेटमेंट में भी शो हो रहा हो और जो बैलेंस शीट में भी शो हो रहा हो वो कौन सा होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लास्ट मंथ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पर हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंडिंग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शो करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर तमाम क्लोजिंग आइटम होते हैं तो वहां पर भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करंट एसेट्स में लिखी जाती है, तो ये वो आइटम है जो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में दोनों में शो किया जाता है।
और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कहते हैं वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट फॉलोइंग अकाउंट इज इररिलेवेंट। तो कहते हैं जब ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं, इनमें से कोई एक अकाउंट है जो ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ताल्लुक होता है परचेस से, सेल्स लाजमन इसके बगैर तो बन ही नहीं सकता, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिल्कुल है, डिलीवरी एक्सपेंस इसका ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि डिलीवरी एक्सपेंस आपका खर्चा है और ये आपका कहीं अखराजात ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो हो जाता है। आगे कहते हैं द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक विल हैव दिस इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। वो कहते हैं कि जब कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में, कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए जब आप कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है, थोड़ा सा इसको सोचें, तो आप क्या करते हैं बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, इसका मतलब करंट एसेट डेबिट हो रहा है, एसेट डेबिट, एसेट ही क्रेडिट हो रहा है, तो आपका जो इंपैक्ट आएगा वो एसेट साइड पर आएगा जनरली। अब आपकी दूसरी साइड पर तो कोई असर ही नहीं आ रहा, वो यही बात आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया है तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट होगा। डेफिनेटली निल इंपैक्ट आएगा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का इंपैक्ट नहीं बचेगा। आगे कहते हैं दीज अकाउंट्स आर इफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। जब आप माल उधार पर बेचते हैं, जब आप माल उधार पर बेचते हैं, वो कहते हैं कि जो नीचे अकाउंट्स दिए हुए हैं वो उनमें से कोई एक अकाउंट का ऑप्शन ऐसा है कि जो इफेक्ट करता है। जब आपने माल उधार पर बेचा तो क्या कैश और सेल्स, लाजमन कैश का उधार से कोई ताल्लुक नहीं है तो इसका कोई असर नहीं होगा। जब आपने माल उधार पर बेचा अकाउंट्स पेबल और सेल, अकाउंट्स पेबल का सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड सेल्स बिल्कुल इनका ताल्लुक बनता है, और सेल्स ओनली बिल्कुल भी नहीं। जब माल उधार पर बेचते हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं, तो इसका मतलब जो ऑप्शन ये हमारा है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं मजीद, दिस अकाउंट इज डेबिटेड टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर। जब आपने माल सप्लायर को वापस दिया तो वह कहते हैं कि इन जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई एक अकाउंट है उसे आप डेबिट करते हैं। देखिए जब आप माल सप्लायर को वापस देते हैं, उससे पहले की एंट्री बनाए जरा, जब आपने माल खरीदा था उधार पर, जब आपने माल उधार पर खरीदा तो एंट्री क्या बनाई, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, लाजमन लाइबिलिटी बढ़ गई ना आपकी। अब आप उसमें से कोई डिफेक्टेड माल है जो वापस दे रहे हैं तो उसकी पेमेंट तो आप नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब लाइबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। तो वो कहते हैं जब लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट पे जाती है, वही कहते हैं कि अकाउंट इज डेबिटेड टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न, तो डेबिट पे क्या करेंगे आप, अकाउंट्स पेबल को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, दीज अकाउंट्स आर नॉट डेबिटेड इन क्लोजिंग एंट्री एक्सेप्ट। वो कहते हैं कि जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जब क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं तो उस पर हम अकाउंट डेबिट नहीं करते अलावा एक के, वो क्या है, सेल्स रिटर्न, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, यकीनन सेल्स है जो डेबिट करके क्लोज की जाती है। सेल्स का ताल्लुक चूंकि रेवेन्यू से है और रेवेन्यूज को क्लोज किया जाता है, रेवेन्यू बाय नेचर क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट को डेबिट करके क्लोज कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, द टर्म रेवेन्यू इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, वो कहते हैं कि रेवेन्यू की टर्म जो है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सबसे बेहतरीन डिस्क्राइब किस ऑप्शन में हो रही है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मर्चेंडाइज सोल्ड, ठीक है ये भी हो सकता है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज, ये भी हो सकता है, रिसीव फ्रॉम मर्चेंडाइज सोल्ड बिल्कुल सही हो सकता है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर। देखिए जब भी हम सेल्स की या परचेज की बात करते हैं तो वहां दोनों जानेब हम ये कहते हैं कि मर्चेंडाइज की बात हो रही है, मर्चेंडाइज या तो सेल हो रही है या मर्चेंडाइज परचेज हो रही है। तो जब हमने सेल्स की बात करी है, वो कहते हैं ना रेवेन्यू, रेवेन्यू बेस्ट डिस्क्राइब कैसे हो रहा है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज, या तो आपने सर्विसेज दी है उससे माल रेवेन्यू जनरेट हुई है, या फिर जो आपने मर्चेंडाइज सेल करी है, तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन बनेगा। आगे चलते हैं, कहते हैं फुटिंग इज मेड जस्ट
फुटिंग कब की जाती है, फुटिंग ये ना, आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर बैलेंसिंग, बिफोर बैलेंसिंग, बिफोर रिकॉर्डिंग, बिफोर बैलेंसिंग ही ये काम होता है कि जब आप बैलेंस करने जाते हैं तो उससे पहले आप इसको फुट कर देते हैं। आगे कहते हैं एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट डेट इज कॉल्ड, अब इन्होंने डबल एंट्री गलत लगाया हुआ है, वो कहते हैं कि ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो वो कहलाती है कंपाउंड एंट्री, ठीक है, वो कहलाती है क्या, कंपाउंड एंट्री। आगे चलते हैं, कहते हैं कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग, ये बात आप जानते हैं कि कैश बुक किस पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा यूज की जाती है, कैश रिसीट्स ओनली, कैश पेमेंट्स ओनली, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शंस। देखिए उसके अंदर हर तरह की कैश ट्रांजेक्शन होती है, कैश रिसीविंग भी होती है, कैश की पेमेंट्स भी होती है, लेकिन क्रेडिट की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास या आखिरी वाला ऑप्शन है वही हमारा इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ईयर मुकम्मल हुआ और उम्मीद है आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, आप अपनी जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें अपने पास रिजॉल्व करें ताकि हम उन इश्यूज़ को देख सकें और आप हमसे रابطہ करें और अनसॉल्व पेपर के एमसीक्यूज़ और दीगर जो मटेरियल है उसे भी देखें आप। इम्तिहानात में बहुत कम वक्त बाकी है, इसलिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको हर लिहाज से जो है वो गाइड करें। ज़रूरत इस बात की भी है कि आप भी इस मामले में सीरियस होकर स्टडी को लें। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, ताकि अगली वीडियो के अंदर मज़ीद कोई जो भी इश्यूज़ हैं आपके उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। आपसे इस बात की ज़रूर रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने पास जो भी मटेरियल है उससे एमसीक्यूज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार 50% मार्क्स एमसीक्यूज़ के हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।